हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी। इस वीडियो के अंदर अभी हम देख रहे हैं साइंस जी के पार्ट टू। इसका पार्ट वन ऑलरेडी बनाया जा चुका है और आप लोग देख चुके हैं कल। ज्योग्राफी से रिलेटेड जी के, पर्टिकुलर महाराष्ट्र की ज्योग्राफी, कर्नाटक की ज्योग्राफी, कल्चर, इंडियन कल्चर से रिलेटेड जी के, ये सारे वीडियो बनाए गए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसका लिंक देख सकते हैं और पूरा वीडियो देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और किस तरह की वीडियोज आप लोग चाहते हैं कि एकेडमी बनाए। शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने सोशल साइट में और ढेर सारी लाइक करिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्रीनोकाइट इज ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। तो इसका आंसर है कैडमियम। कैडमियम का ओर है ग्रीनोकाइट। ग्रीनोकाइट को कैडमियम ऑक्र भी बोला जाता है। ये सबसे पहले रिकॉग्नाइज हुआ था 1840 में बिशपटाउन स्कॉटलैंड में। सेकेंड क्वेश्चन है, विच एमोंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट टाइटल फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे बोला जाता है? तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका आंसर है एंटोइने लेवोइजर। यहाँ आप उनकी फोटो देख सकते हैं। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 18 सेंचुरी में, उस वक्त जो भी केमिकल रिवॉल्यूशन हुआ था 18 सेंचुरी में, उस वक्त ये सेंटर नाम था हमारा लेवोइजर। दूसरा, लेवोइजर ने कहा था कि साइज और शेप जो है मैटर का वो बदल सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन जो मास होता है मैटर का वो सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कंपेयर्स एयर स्पीड एंड स्पीड ऑफ साउंड। तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है ये दोनों के कंपेरिजन में, वो है मैकमीटर। जब एयरक्राफ्ट जाता है कहीं भी मूव करता है, देखिए एयरक्राफ्ट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो उस वक्त जब एयरक्राफ्ट मूव करता है तो उनके पास यही होता है, मैकमीटर होता है। उस वक्त जो एयर की स्पीड रहती है और साउंड की स्पीड है, मैकमीटर दोनों को कंपेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूट्रिशन इन विच वन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। स्पेशली ये प्लांट्स में होता है। देखिए प्लांट्स में क्या होता है, ये एक प्लांट है मान लीजिए और ये दूसरा प्लांट है, तो ये जो प्लांट है ये इसके ऊपर ऐसे फैल जाता है और इस प्लांट का जो भी न्यूट्रिशन है ये जो प्लांट है वो ले लेता है, तो इसको बोला जाता है पेरिसिटिक न्यूट्रिशन। और ये जब प्रोसेस होता है कि एक प्लांट है दूसरे प्लांट का, या बोलिए एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का जब न्यूट्रिशन लेता है तो इसको ये मारता नहीं है, किल नहीं करता है, तो इस तरह के न्यूट्रिशन को बोला जाता है पेरिसिटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस मेनली कंटेन्स विच अमंग द फॉलोइंग गैस। तो ये भी बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है कि जो गोबर गैस है उसमें किस तरह की गैस होती है, कौन सी गैस होती है, तो उसमें होती है मिथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स रिक्वायर विच अमंग द फॉलोइंग। तो जो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये चारों की ही मस्ट रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारा आंसर है 5, ऑल द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ सेल फ्लोट इन लिक्विड कॉल्ड। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमको, ये हमारा सेल है और इसमें बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनल्स और फंक्शनरीज है, तो इसमें जो ये हमको पिंक पार्ट दिख रहा है ये क्या है, ये फ्लूइड है, गाढ़ा लिक्विड है जिसको हम फ्लूइड बोलते हैं। तो ये जो फ्लूइड है ये है हमारा साइटोप्लाज्म। तो हमारा आंसर जो है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में से जेल लाइक फ्लूइड इनसाइड द सेल, जैसे अभी हमने देखे थे ये हमारा सेल है, तो इसमें जो ये आपको पिंक पोर्शन दिख रहा है ये हमारा जेल लाइक फ्लूइड है। और जितने भी फंक्शंस होते हैं जैसे एक्सपेंशन हो गया, ग्रोथ हो गया, रेप्लिकेशन हो गया, तो ये सारे के सारे फंक्शन जो है वो साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ओनली पॉइजनस लिजार्ड। तो हमको जो ऑप्शन दिया है उसमें से एकमात्र जो लिजार्ड पॉइजनस है वो है गीला मॉन्स्टर हिलोडर्मा। टोटल स्पीसीज यदि वर्ल्ड वाइड देखा जाए लिजार्ड की कितनी स्पीसीज है, लिजार्ड मतलब जो छिपकली आप लोग देखते होंगे अपने दीवारों में, तो उसकी टोटल स्पीसीज इस दुनिया में जो है वो 3000 है और उसमें से दो ऐसी स्पीसीज है जो पॉइजनस है, बाकी जितनी भी है वो पॉइजनस नहीं होती। तो वो दो स्पीसीज है गीला मॉन्स्टर हिलोडर्मा, जिसका हमने क्वेश्चन में देखे थे वो आंसर था उसका, और दूसरी स्पीसीज जो पॉइजनस होती है वो है मैक्सिकन बीडेड लिजार्ड हिलोडर्मा। यही दो स्पीसीज, मतलब टोटल 3000 है, उनमें से सिर्फ ये दो स्पीसीज पॉइजनस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी कमी के कारण कौन सी डिजीज होती है? तो ये बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन सेंस भी है, आप लोग को भी पता होगा। इसका आंसर है एनीमिया। जो हीम है, हीमोग्लोबिन में जो हीम है वो एक्चुअल में उसका मीनिंग है वो है आयरन, और ये हीम के ही कारण है कि ब्लड का जो कलर, खून का जो कलर लाल होता है वो हीम के ही कारण होता है।
जो हीमोग्लोबिन है वो लंग्स से ऑक्सीजन लेता है और पूरी की पूरी जो बॉडी है हमारी उसमें डिस्ट्रीब्यूट करता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्मॉलेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी। जो मानव शरीर है उसमें अलग अलग तरह के मसल्स होते हैं, उसमें से जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट मसल होता है वो है द स्टेपडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज फूड पाइप। जब मैंने आप लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें फूड पाइप की बात हुई थी, तो जो फूड पाइप बोला जाता है वो ईसोफेगस को बोला जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ये माउथ हो गया, यहाँ से हम जैसे ही कुछ खाते हैं ये थोड़ा एंट्री करता है, और ये वाला जो आपको लंबा सा पाइप दिख रहा है ये हमारे गले से लेकर पेट तक कनेक्ट होता है जिसको बोला जाता है ईसोफेगस, और ये ईसोफेगस जो है उसको फूड पाइप बोला जाता है। ईसोफेगस इज ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप, इट इज अ मस्कुलर ट्यूब। ये एक मस्कुलर ट्यूब है जो कनेक्ट करता है हमारे गले, हमारे थ्रोट को हमारे पेट से, मतलब स्टमक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज कटल फिश। कटल फिश किसको बोला जाता है, हमको जो ऑप्शन दिया है, तो जो स्पीडा है, सेपीडा सॉरी, सेपीडा जो है उसको बोला जाता है कटल फिश। नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्टमक। हमारा जो पेट होता है, हम जो भी कुछ खाते हैं तो उसको पचाया जो जाता है, उसको जो चबाते हैं हम, और जब वो पचता है तो वहां पे वो पचने का प्रोसेस गैस्ट्रिक जूस के थ्रू होता है। तो ये जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें जो एंजाइम प्रेजेंट रहती है वो है पेप्सिन। तो हमारा आंसर है पेप्सिन। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ब्लड थिनर। देखिए ब्लड थिनर क्या होता है, हमारा खून यदि एकदम गाढ़ा होगा तो क्लॉटिंग हो जाएगी, और हमारा यदि खून में क्लॉटिंग होगी वो बहेगा नहीं, तो हमारा ऑक्सीजन है वो पूरे बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो अपना क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करता हूँ, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज बॉडी थिनर। बॉडी थिनर किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है हिपेरिन को। हिपेरिन इज एन एंटी कोगुलेंट, ये एक एंटी कोगुलेंट है, मतलब ब्लड थिनर है, हमारा जो खून है उसको वो पतला करता है। इट प्रिवेंट्स फ्रॉम ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग हमारे शरीर में ना हो उसका ये काम करता है हिपेरिन। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय विच अमंग द फॉलोइंग। जो इंसुलिन है वो किसके द्वारा सिक्रेट की जाती है, तो ये जो बीटा सेल्स होते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में, उनके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, रिलीज किया जाता है इंसुलिन, और जो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है वो पैंक्रियाज में प्रोड्यूस होता है। कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज ड्यू टू विच अमंग द फॉलोइंग। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, और आजू बाजू का जो पेरिफेरल हमारा नर्वस सिस्टम होता है, और फिर नीचे तरफ जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है, ये कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है, ये होता है मेडुला ओब्लांगटा के थ्रू। तो ये हमारा आंसर है मेडुला ओब्लांगटा। देखिए यहाँ पे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, और ये जो नीचे तरफ ये बना हुआ है, ये मैंने यहाँ पे एरो भी बनाया है, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा मेडुला ओब्लांगटा, और यही कनेक्ट करता है हमारे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लार्जेस्ट सी बर्ड। तो सबसे बड़ी जो सी बर्ड है वो है अल्बाट्रॉस। ये जब अपना पंख फैलाती है ये बर्ड, सी बर्ड, तो लगभग ये 21 से 25 फिट इतना फैल के दिखती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितनी बड़ी बर्ड होगी। तो ये 2014 में इसके बारे में पता चला था, क्योंकि ये लगभग मिलियंस साल पुरानी है ये सी बर्ड, इसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन 2014 में इसके बारे में पता चला, तब से ये क्वेश्चन सामने आए, नेम द लार्जेस्ट सी बर्ड, जिसका आंसर है अल्बाट्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीजन इज डिस्कवर्ड बाय हु अमंग द फॉलोइंग। तो एंटीजन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, तो ये डिस्कवर किया गया है कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। टोकोफेरॉल इज केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन। जब मैंने विटामिन पढ़ाया था तो इसमें मैंने इसके बारे में बताया था, मैं इसका आंसर बता देता हूं, जो टोकोफेरॉल है वो केमिकल नाम है विटामिन ई का। लास्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोटीन हार्मोन रिलीज फ्रॉम प्लेसेंटा थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। तो इसका आंसर है रिलैक्सिन। जो प्रोटीन हार्मोन प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होता है वो है रिलैक्सिन। इट इज डिटेक्टेबल ड्यूरिंग 7 to 10th week। जब प्रेगनेंसी होती है और उसका जो 7वां और 10वां हफ्ता रहता है उसी वक्त ये डिटेक्ट होने लगता है रिलैक्सिन, और जितने समय भी प्रेगनेंसी का रहता है वो पूरे समय तक ये जो रिलैक्सिन है प्रोटीन हार्मोन वो रिलीज होते रहता है। ये रिलीज होने के कारण जो भी मदर है, जो प्रेग्नेंट है, उनके जो मसल जॉइंट और लिगामेंट्स होते हैं उसको रिलैक्सेशन मिलता है। थैंक यू।